मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए मांगने से बेहतर है मरना पसंद करूंगा। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सीएम हाउस में शिवराज सिंह ने लाडली बहनों से मुलाकात की। महिलाओं ने रोते हुए कहा कि हमने तो आपको चुना है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कहाँ छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामा का रिश्ता प्यार का है, भैया का रिश्ता विश्वास का है, दोनों टूटने नहीं दूंगा। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। भाई और बहन का रिश्ता सदैव रहेगा उसमें कोई, और इस काम को हमारी पार्टी की सरकार आगे बढ़ाएगी। सबके प्यार के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, और भाई और बहन साथ है और सरकार भी उनके कल्याण के काम करती रहेगी। मैं उनके साथ खड़ा हूं सर। एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी, देखिए जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहां हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है, तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊं। तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण, केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा।